मनोहर सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आज रेवाड़ी पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा झज्जर में मुख्यमंत्री पर उठाए गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर नेता अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन सीएम को विधायक दल चुनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं कि सरकार से फ्री मिलने वाली चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ्री मिलने वाली चीज़ों का हमेशा दुरुपयोग होता है। राव नरवीर सिंह ने प्रदेश में बिजली की किल्लत को लेकर कहा कि लाइन लॉस प्रदेश में 5 से 7% है, लेकिन 35% तक लाइन लॉस दिखाया जाता है, जो हकीकत में बिजली चोरी होती है और वो बंद होने पर ही बिजली की आपूर्ति पूरी हो पाएगी। बता दें कि रेवाड़ी और गुड़गांवा के बस स्टैंड की हालत जर्जर है और लंबे समय से नए बस स्टैंड बनाए जाने की बात की जा रही है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि इस कार्यकाल में उनका लक्ष्य है कि रेवाड़ी और गुरुग्राम दोनों जगह के नए बस स्टैंड की वो आधारशिला रख दें, ताकि जल्द काम शुरू किया जा सके। रेवाड़ी का बस स्टैंड शहर के प्रजापति चौक पर बनना था, लेकिन बस स्टैंड बनने वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में नए बस स्टैंड के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। मेरे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैंने पीडब्ल्यूडी की अपनी, तो मेरे से एक पत्रकार ने पूछने लगा। मैंने कहा व्यक्तिगत तौर पार्टी तो व्यक्तिगत तौर पे हर फ्री चीज का खिलाफ नहीं होनी चाहिए। फ्री चीज का हमेशा दुरुपयोग होता है। लाइन लॉस नहीं है, चोरी होती सारी। अब तो ट्रांसमिशन का इतना बढ़िया इस देश में सिस्टम है, आप भूटान से आप लोगे तो रेवाड़ी में भी पहुंच जाएगी। मुश्किल में 5 या 7% लाइन लॉस होता है। ये 35% दिखाते हो, चोरी लाइन लॉस नहीं है। वो एक शब्द डाल दिया कि लाइन लॉस है, वो चोरी। जब कानून बन गया तब कोई उस पर कार्रवाई करे ना करे अलग बात है। हमने कानून बना दिया कि कोई भी आदमी घर के बाहर यदि सड़क पर पानी गिरेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसकी सजा का भी प्रावधान है। हमने 2 विधानसभा पहले मैंने ये प्रस्ताव पास करवाया था और ये कानून बन चुका है। हमने बहुत सी योजनाएं शुरू की, एक ड्रोन से उसकी मैपिंग भी करवाई है, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी पिछले दिनों जब फरीदाबाद कार्यकारिणी में आए तो वहाँ होके गए और पहले भी देखते रहे। कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं सरकार में, लेकिन उनको समय अनुसार दुरुस्त किया जाता है और पूरी मॉनिटरिंग है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जहाँ भी दुनिया में कोई भी विकासशील देश हो विकसित प्रदेश हो, जो जो तरक्की होगी तो पेड़ों का विनाश जरूरी है। विधायक दल की मीटिंग में फैसला होता है कि कौन मुख्यमंत्री बने। जो भी कोई नेता होता सब अपने आप में सर्वे सर्वा होता है कि भाई मैं बड़ा लीडर हूँ। लेकिन ये तो जब एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में जब पार्टियाँ चुनाव लड़ती है तो सर्वसम्मति से उसका फैसला होता है विधायक दल की मीटिंग में। विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया और उनको शपथ दिलवाई गई। वो फाइनल हो गया, हमने पैसे बहुत दिनों से मंजूर कर रहे हैं। उसकी जयपुर फाइल थी, शुरू जल्दी हो जाता हूँ। डबल फाटक उसका रेलवे वाइज रुकना, हमारी तरफ से हमने सब कुछ सेंक्शन कर रखा है, शुरू कर देंगे। बरसात के दिनों में स्वाभाविक गड्ढे हो जाते हैं। मल टाउन के तो कमेटी एरिया होंगे, वैसे पीडब्ल्यूडी की नहीं होंगे जी। वैसे वो हुड्डा के होंगे, पीडब्ल्यूडी की रोडों पे कम आपको और एक्स्ट्रा कम पाएंगे गड्ढे। हमने सर्कुलर रोड की कुछ हालात बदली, खूब बारिश हुई, नहीं भरा होगा ना? ठीक है, नहीं भरा होगा। हाँ नहीं, हर साल में भी आता था पानी भर, लेकिन हमने इसका नाई वाली चौक का ना थोड़ा सा इसे बंद कर दो, बताऊं। मैं सबसे जल्दी गुड़गांव और रेवाड़ी का बस स्टैंड बदलना चाहता हूँ, गुड़गांव और रेवाड़ी का। गुड़गांव का हमारी प्रक्रिया चालू है, इसकी जमीन नहीं मिल पा रही हमें बहुत सालों से। और मुझे याद है कि हमारे में देखा था, हमारे पिताजी ने इस बस स्टैंड का शिलान्यास किया था महावीर सिंह ने, और मेरी ये इच्छा है कि बहुत जल्दी हमारे शासनकाल में इसी योजना में इसका एक नया शुभारम्भ हो। जमीन अवेलेबल, उसमें थोड़ा सा लिटिगेशन है, थोड़े नहीं थोड़े से हिस्से पे उसमें स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। उसी को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह बदलने की मैं डिपार्टमेंट की और पसंद होती है रणधीर सिंह कापड़ीवास को, मैंने कहा और जगह चिन्हित करके, कोई रेवाड़ी में हुड्डा के अन प्लांट जमीन पड़ी तो उसको ले लो। हाँ,
मेरे किसी ने बताया कौन सेक्टर है, तो मैंने कहा वो कर लो फाइनल और सरकार बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाने की योजना बना रही है। मुझे उम्मीद है कि दो तीन महीने में इसका भी शिलान्यास हम करवाएंगे।